भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 90,928 नए मामले आए, 19,206 रिकवरी हुई और 325 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कुल मामलों की संख्या 3,51,09,286 हो गई है, जिनमें से 2,85,401 सक्रिय मामले हैं। देश में अभी तक कोरोना से 4,82,876 लोगों की जान गई है। सीमा सुरक्षा बल ने अटारी में भारत पाकिस्तान सीमा पर दैनिक रिट्रीट सेरेमनी में सार्वजनिक प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह फैसला बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लिया गया है। रिट्रीट सेरेमनी में भारी संख्या में लोग सीमा पर पहुंचते हैं। नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस कोटा, याचिकाकर्ताओं ने कहा 8 लाख की सीमा तय करने से पहले कोई अध्ययन नहीं किया गया, आज भी जारी रहेगी सुनवाई। पंजाब में बेदबी का एक और मामला, स्वर्ण मंदिर और निशान साहिब के बाद अब यहां हुई हरकत। आरोपी पकड़ाया, बेदबी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना का पता लगते ही सिख जत्थेदार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से मांग की कि आरोपी युवक को उनके हवाले किया जाए। वहीं इस घटना के बाद गाँव में माहौल तनावपूर्ण है। गुजरात, सूरत में फैक्ट्री के पास जहरीली गैस लीक, 6 मजदूरों की मौत, 20 मजदूर हुए बेहोश। IPO की तर्ज पर क्रिप्टो कॉइन के लिए जुटाए पैसे, 900 निवेशकों को 1,200 करोड़ रुपए का चूना। भारतीय टीम के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वे बाहरी शोर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, टीम मैनेजमेंट उनका समर्थन करता है। उन्होंने जोहानिसबर्ग में अच्छी पारी खेली थी। बुल्ली बाई के पीछे 18 साल की लड़की है तो माफ कर दीजिए, जावेद अख्तर ने किया ट्वीट, लोगों ने कर दिया ट्रोल। उत्तर प्रदेश, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न सुविधाओं का उद्घाटन किया और गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस, मैलानी बिछिया सवारी गाड़ी और कानपुर सेंट्रल ब्रह्मावर्त मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे यहाँ अब 2,475 सक्रिय मामले हैं, कल हमने कुछ और प्रतिबंध लगाए हैं। शादियों में अब 250 लोगों की अनुमति दी गई है, बड़े मेले आयोजित नहीं करने के निर्देश दिए हैं, अंतिम संस्कार में केवल 50 लोगों की अनुमति दी गई है। विश्वास सारंग। गोवा इलेक्शन 2022, कांग्रेस को एक और झटका, राखी प्रभुदेसाई नाइक ने छोड़ा हाथ, टीएमसी में शामिल। तेलंगाना, कोविड नियमों के उल्लंघन पर गिरफ्तार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को हाई कोर्ट ने जमानत दी, जेल से रिहा हुए। नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बुधवार को पाकिस्तानी सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर पंजाब के फिरोजपुर जिले में बड़ी चूक सामने आई। सड़क मार्ग से रैली में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री के काफिले को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया, इस वजह से करीब 20 मिनट तक मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा रहा। नतीजतन पीएम मोदी को कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली लौटना पड़ा। नई दिल्ली, पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर भाजपा नेतृत्व कांग्रेस पर हमलावर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोगों द्वारा नकारे जाने से कांग्रेस होश खो बैठी है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है, इस मामले में जवाबदेही तय होगी। आज पंजाब में कांग्रेस का पैदा किया हुआ घटनाक्रम इस बात का नजारा था कि यह पार्टी किस तरह सोचती और काम करती है। कांग्रेस के शीर्ष पर बैठे लोगों ने जो किया है, उसके लिए उन्हें देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मुझे खेद है कि पीएम नरेंद्र मोदी को आज फिरोजपुर जिले के दौरे के दौरान वापस लौटना पड़ा। हम अपने पीएम का सम्मान करते हैं। पीएम के राज्य के दौरे के दौरान सुरक्षा उल्लंघन पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को दी जाएगी 4,50,000 रुपए की मदद राशि। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने रैलियां रद्द कर दी हैं, अब करेंगे डिजिटल प्रचार। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक V.S. पठानिया ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें समुद्री बल की संचालन संबंधी तैयारियों और समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्परता के बारे में जानकारी दी।
ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट की नसीहत, अदालतें सीआरपीसी से न जाए बाहर, आखिरी सांस तक की सजा सुनाने की नहीं है अधिकार। अखिलेश यादव के करीबी और नोवा शूज के संचालक के यहां पड़ा आयकर छापा, मिला जमीनों के कागजातों का जखीरा। अयोध्या, दलितों की जमीन ट्रस्ट को बेचना अवैध था, राजस्व अदालत ने राज्य सरकार को सौंपी जमीन, तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश।